कर देता हूँ दोस्तों। अगर आप भी एक जेई के ड्रॉपर हो, अगर आप भी जेई मेंस से एडवांस की तैयारी करना चाहते हो और उसके लिए आप कहीं पर अच्छी सी कोचिंग में कोच जाना चाहते हो, तो आपके मन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं कि आप कोटा जाएं या फिर कहाँ पर जाएं। कोटा में भी रेजिनेंस, एलेन, वाइब्रेंट अकेडमी, बंसल क्लासेस, PW या फिर अन अकेडमी, आप कौन सी कोचिंग में जाना चाहते हो? तो आपका जो फाइनली प्लान बन चुका होगा मेरे हिसाब से वो बना होगा फिजिक्स वाला में जाने का, क्योंकि उसकी जो फीस है वो काफ़ी कम है और आप ऑनलाइन उनसे पढ़ते भी रहे होगे फिजिक्स वाला सर से, ठीक है। लेकिन यार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए क्यों बेस्ट नहीं रहेगी। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पर आकर के जो वो नोटिस किया वो बता रहा हूँ दोस्तों। मैं लगभग 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर आया था। सबसे पहले मैंने भी सोचा था कि मैं भी PW में जाऊँगा, क्योंकि मैं भी पहले फिजिक्स वाला सर से पढ़ता था, ठीक है। वहाँ पर जाकर के मैंने इंक्वायरी की तो मेरे को पता चला यार कि यहाँ पर मात्र जो पंकज सर हैं वो अकेले आए हुए हैं, और सारी की सारी जो फैकल्टी थी उनसे मैं अननोन था, मैं उनको जानता तक नहीं था, ठीक है। तो यार जो पंकज सर हैं वो भी ओनली एक दो बैचेस हैं उन्हीं में पढ़ाएंगे, जो स्टार बैचेस होंगे या फिर जो एक्सीलेंट बैचेस होंगे ना उन्हीं में वो अपनी क्लासेस लेंगे, क्योंकि वो उसके HOD हैं, ठीक है। दूसरी बात यार, जो टीचर अभी अभी नए आए हैं तो पता नहीं उनका कॉन्टैक्ट कैसा रहेगा, हो सकता है वो बीच में छोड़ के चले भी जाएँ और ना भी जाएँ, लेकिन यार विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरी बात यार, हम इस बार ड्रॉपर हैं तो इस बार रिस्क नहीं ले सकते कि अपनी 1 साल वेस्ट करें, ठीक है। तो इससे बढ़िया थोड़ा बहुत तो पैसा करके हम एक और अच्छी से, मतलब जिसमें हमको लगता हो उसका रिजल्ट भी अच्छा चलता आ रहा हो, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यार एक और बात ये है कि अभी हमें इसका रिजल्ट के बारे में पता नहीं, क्योंकि जो ऑनलाइन का जो रिजल्ट आता है उसकी बात अलग रहती है, ऑफलाइन का रिजल्ट आता है उसकी बात अलग रहती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यार अपने हिसाब से कि आपको कौन से उसमें जाना है, कौन सी कोचिंग में जाना है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अगर रेजोनेंस में जाता हूँ मैं रेजोनेंस का सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्चुअल में है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले फिजिक्स वाला से पढ़ता था, लेकिन यार यहाँ पर आकर के मेरे को लगा, मेरे जो 7-8 दोस्त थे उनको लगा कि इसमें नहीं जाना चाहिए, तो हमने भी रेजोनेंस